दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एंगुलर डिस्पर्जन होती क्या है। तो मानिए, हमारे पास एक प्रिज्म है ए बी सी, और इसके ऊपर मैंने एक वाइट रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दिया। हमें पता है अब यहाँ पे वाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करिए, और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख देना तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये बात बिल्कुल जायज है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर अब मैं आपको बोलूं कि आप ये फाइंड करो कि कितना एंगल इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम पता है क्या बोलेंगे दोस्तों? एंगुलर डिस्पर्जन। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है ना, वो है कि हमारा प्यारा विबग्योर, वायलेट और रेड दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे रेड दिखा रहा हूं, यहाँ पे वायलेट, मान लो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, और बाकी सभी के सभी कलर्स ना उन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि रेड कलर के लिए कितनी डेविएशन आई है और वायलेट कलर के लिए कितनी डेविएशन आई है, और उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर डिस्पर्जन। तो दोस्तों, एंगुलर डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। और टू एक्सट्रीम समझ गए होंगे आप, वी और आर, और डिफरेंस ऑफ टू कलर्स अंडर कंसिडरेशन। ओ भाई, ये दो कलर जो कंसिडरेशन के अंडर होंगे, इसका मतलब क्या? अब समझते हैं इसको। ओ भाई, थ्योरी के अंदर ना वी जनरली कंसिडर ब्लू और रेड कलर, मतलब हम लोग वायलेट और इंडिगो को भूल जाते हैं, हम ब्लू और रेड को लेते हैं जनरली। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो भाई, आंखों की बचत। इंडिगो और वायलेट जो होते हैं ना, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, और ज्यादा देर तक इनका एक्सपोजर हमारी प्यारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, तो इन दोनों को हम जनरली इग्नोर करते हैं। और ब्लू और रेड के बीच में जो डिस्पर्जन आ रही है ना, उसको हम देखते हैं। तो अब जो हमारी एंगुलर डिस्पर्जन हम देखेंगे, वो किसके अंदर देखेंगे? ब्लू और रेड के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि परसेंटेज ऑफ एवरी कलर इज नॉट सेम। वो व्हाइट लाइट के अंदर ना परसेंटेज ऑफ एवरी कलर इज नॉट सेम। अगर आपको इतने परसेंट रेड है, तो वायलेट भी इतने परसेंट होगा, ग्रीन भी इतने परसेंट होगा, ब्लू भी इतने परसेंट होगा, मगर ऐसा गलत है। इंडिगो वायलेट कलर की जो परसेंटेज होती है ना इन व्हाइट लाइट, इट इज लेस एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। अब दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो प्रिज्म है ना, बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन है, तो इसके केस के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन आता था, हम कैसे निकालते थे? म्यू माइनस वन इंटू ए, वेयर ए वॉज द एंगल ऑफ प्रिज्म। वेरी गुड। तो एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? वो बड़ा एंगल कौन सा है? डेल वी। तो डेल वी माइनस डेल आर इक्वल्स टू थीटा। ओ, बहुत ही सिंपल है, थ्रू ज्योमेट्री बहुत इजीली आ गया। तो डेल वी माइनस डेल आर इक्वल्स टू थीटा लिखा, डेल वी को डाल लो, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, डेल आर को कितना डाल लूंगा? म्यू आर माइनस वन इंटू ए। हायर लेवल मैथमेटिक्स लगाना, कुछ कटेगा और एंड में ये फॉर्मूला बचेगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन कितनी आ जाएगी? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सब ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस फॉर्मूला में देखने वाली, कि एंगुलर डिस्पर्जन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। वो एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड भी करती है हमारी एंगुलर डिस्पर्जन। इस बात को ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो करेगी करेगी, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर भी कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।